देश भर में किसान आंदोलन की आग धीरे धीरे फैल रही है और इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोदी सरकार पर इस मुद्दे को लेकर हमला बोला है। नीतीश का मोदी पर वार, उन्होंने कहा है कि जो वादा किसानों से किया गया था उनकी लागत को लेकर, उचित कीमत को लेकर, वो अब तक उन्हें नहीं दिया गया। चुनाव के दौरान जो वादा किसानों से किया था कि लागत से ज्यादा 50% किसानों को दिया जाएगा, वो वादा नहीं निभाया गया। मूल जो बात है वह सिर्फ उससे जुड़ा हुआ नहीं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की समस्या है, लेकिन जो मूल समस्या है वो मूल समस्या है कि किसानों को फसल उत्पादन में लागत में वृद्धि हो रही है, लेकिन उत्पादन का दाम उपयुक्त नहीं मिल पा रहा है। यह है बुनियादी समस्या। और जितना भी, जिस तरह से भी आजकल लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, हाईलाइट किया जाता है, यह है मूल चीज। वह भी अपने कई जगहों पर ऐसी समस्या होगी, कर्ज लेते हैं, कर्ज चुका नहीं पाते हैं, तो महाराष्ट्र और कई प्रदेशों में लोग आत्महत्या करते हैं। वह एक प्रश्न, हम ऐसा नहीं कहते हैं कि वह एक समस्या नहीं, लेकिन मेरी समस्या जो आज देश का एग्रीरियन क्राइसिस है उसकी मूल समस्या है लागत, उत्पादन लागत में वृद्धि हो रही है लेकिन उत्पादन मूल्य में वृद्धि नहीं हो पा रही। और 2014 के लोकसभा के चुनाव के पूर्व जो वादा किया गया था, और खुद उस समय प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे भाजपा की तरफ से माननीय मोदी जी, उन्होंने भी स्वयं भी मीटिंगों में कहा था, और भाजपा का जो घोषणा पत्र जारी हुआ था उसमें भी इस बात का उल्लेख किया गया था, मूल्य का निर्धारण होना चाहिए, उत्पादन मूल्य का, नंबर एक। नंबर दो, किसानों की आमदनी को आप कह रहे हैं दोगुना बढ़ेगा, किसान को जो बुनियादी आवश्यकताएं, इतनी कम आमदनी है, ये ग्रुप डी के कर्मचारी को भी उससे बहुत ज्यादा आमदनी होती है, तो वैसी परिस्थिति में हम अनेक तरह की सुविधाएं देते हैं सरकारी क्षेत्र में, अगर इसके बारे में राष्ट्रीय स्तर पर सोच नहीं विकसित हुआ कि उनके परिवार के बच्चों के शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इन सब चीजों के बारे में अगर पूरे तौर पर कोई नजरिया नहीं बनेगा राष्ट्रीय स्तर पर, ये प्रांतीय स्तर पर कोई इस प्रकार का बनाकर आप लागू करना चाहिएगा, उसका सीमित उपलब्धि होगा। हम लोग तो अपनी स्कीम चलाते हैं, बहुत सारी स्कीम सेंटर की आ जाती है, छोटी छोटी स्कीम रहती है, उसमें राज्य को भी अपना पैसा लगाना पड़ता, तो राज्य सरकारों को एक्सक्लूसिव अपनी कोई स्कीम बनाकर लागू करने में तो बहुत कठिनाई होती है। ओवरऑल पूरे देश में कृषि के क्षेत्र के बारे में लोगों को ठीक से सोचना पड़ेगा, और तात्कालिक अभी हंगामा चल रहा है तो आप ऐलान कर दिए कर्ज माफी का, ये का हो गया, कुछ दिन के लिए ठंडा पड़ गया, लेकिन इससे जो एग्रीरियन क्राइसिस है वो सब समाप्त नहीं होगा। और मैं बराबर कहता हूं, एग्रीरियन क्राइसिस का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि चाहे मराठा हो, जाट हो, पाटीदार हो, जो माने जाते थे कृषि के क्षेत्र में कि ये लोग कृषि के क्षेत्र में बहुत आगे हैं, आज उनकी आर्थिक स्थिति इतनी नीचे गई और शिक्षा दीक्षा के मामले में भी पीछे पड़ते चले गए शैक्षणिक रूप से, कि आज वो आरक्षण की मांग करने के लिए मजबूर हो रहे। तो जब इस देश में जाट समाज के लोग, पाटीदार समाज के लोग, आपके मराठा समाज के लोग और इस प्रकार से कई और कम्युनिटी के लोग डिफरेंट विभिन्न प्रांतों में आज आरक्षण की मांग कर रहे हैं, तो इससे बड़ा प्रमाण एग्रेरियन क्राइसिस का कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर वाकई इसका समाधान निकालना है, देखिए वक्ती तौर पर तो बाएं दाएं कस करके कुछ आप निकल जाइए, लेकिन इससे किसान की समस्या का और कृषि क्षेत्र की समस्या का समाधान नहीं होगा, और कृषि क्षेत्र की समस्या का समाधान नहीं होगा। अब आप बताइए, दाल को आपने इम्पोर्ट कर लिया, अब दाल तो एक समय सीमा के आगे तक आप उसको स्टोर रख नहीं सकते, वो खराब होगा, और कब उसको मार्केट में फेंक दिया,
तब जबकि वो फसल आ रही थी तो सीधे दाम नीचे चला गया। तो जहां दलहन का उत्पादन हो रहा उन इलाकों में तो स्वाभाविक रूप से लोग परेशानी में पड़े हैं। तो बेसिक फ्लॉ मेरी समझ से सोच नंबर एक, और नंबर दो उसे रिलेटेड पॉलिसी, और ये राष्ट्रीय स्तर पर इसकी आवश्यकता है। योग करते हुए दिखाई रहे थे आप लोग, कहां कहां फोटो में हम देखे, हम तो टेलीग्राफ में फोटो देखे, हमको इतनी हंसी आई तो हमने नीरज को बता दिया अपने यहां की जरा फोटो देख लो। अरे योग का तरीका गलत क्या था, वो देखे नहीं, बगल में स्वामी रामदेव जी क्या कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं बता दे, उदाहरण दिखा दे, हम योग की क्या क्या हिसाब तस्वीर हाइट है और उसकी तस्वीर छप रही है, मतलब योग को भी आप पथभ्रष्ट कर रहे। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि योग तो खुद सोचने की चीज है, स्वीकार करने की चीज है। हम लोग आज से नहीं योगासन करते, जिनको जरूरत है वो अपना फिजियोथेरेपी करता है, कोई योग करता है, कोई साधना करता है, सब कुछ करता है और इसका बहुत लाभ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब सार्वजनिक रूप से दिखा रहे हैं तो सामने वाला देखेगा, कहेगा कृषि मंत्री जैसा कर रहे हैं वही सही होगा, तू तो बेचारे का हेल्थ और चौपट हो जाएगा। भाई सार्वजनिक रूप से अगर प्रदर्शित कर रहे हैं योग को तो कम से कम सही रूप में तो आसन दिखाइए। हम तो रोज अखबार पढ़ते, जब टेलीग्राफ का नंबर आया फोटो पर मेरी नजर पड़ी, हंसते हंसते मेरी हालत खराब, अकेले में हंस रहे हैं, अब भी क्या कर रहा है सब। बाकी तो आलोचना दूसरे चीज को लेकर के कर रहे हैं कि आसाम में गोली चल रही है, किसान पर योग कर रहे हैं और हमको हंसी आ रही थी, कैसा योग कर रहा है भाई, बगल में स्वामी रामदेव जी बताए चेहरा ऐसे करना, वो ऐसे किए कैमरा की तरफ। तो ये सब चीज भी मैंने हास्यास्पद लगता है। अब कल एक सज्जन आ गए यहां, फिर आने के पहले बेचारा हमको फोन उन भी किए थे कि आ रहे हैं, लेकिन आप बताइए यहां पर कल क्या मांग किया। हम जो अखबार में देखे कहा कि बिहार में फिर से अभी चुनाव कराए, हम तैयार हैं, लेकिन साथ साथ यूपी का भी चुनाव करा दीजिए, फिर से यूपी का बिहार का एक साथ चुनाव करा दीजिए, और इसके अलावे यूपी और बिहार में जितने एनडीए के और बीजेपी के लोग जीते हुए हैं वो सब लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा कर दें और एक बार फिर अभी चुनाव हो जाए, लोकसभा की सीटों का उस पर भी बाई इलेक्शन हो जाए और यूपी का और बिहार का साथ साथ चुनाव करा दीजिए। अभी हम बिहार का चुनाव कराने को तैयार है, कराइए यूपी का साथ में फिर से, और करा दीजिए लोकसभा का यूपी और बिहार का, जो भी आपके मेंबर जीते हैं करा दीजिए, तो है हिम्मत तो कराइए, हमको कोई दिक्कत नहीं, कल तैयार होइए, कल हम तैयार हैं फिर से चलने के। अगर है ऐसा उनको लगता है तो रिजाइन तुरंत करावे वहां भी। तो कुछ भी बोलना, अरे साहब इस सब चीज को नोटिस लेने वाला, आप लोग समझ रहे हैं ये कोई नोटिस लेने वाली भी चीज है। गांधी जी राष्ट्रपिता हैं और उनके बारे में कौन क्या बोलता है इससे वो अपनी छवि जैसा चाहे वैसा बनाए। गांधी जी तो स्थिर हैं और आप जानते हैं चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरा होने पर पूरे साल हम तो गांधी जी के विचार को जन जन तक पहुंचाएंगे, और मेरी दृढ़ धारणा है कि अगर 10-15% भी युवा पीढ़ी के लोगों ने गांधी जी के विचार को अपना लिया तो समाज बदल जाएगा। आज जो समाज में हिंसा का और जिस तरह से एक माहौल इनटॉलरेंस का, संवेदनहीनता का एक जो माहौल बनता जा रहा है उससे मुक्ति मिलेगी, और वही रास्ता है। गांधी जी का जो विचार है वही रास्ता है देश को आगे ले जाने के लिए। और हम तो जगह जगह अपनी बात बोलते हैं, भाई सबसे अफसोस होता है कि भाई गांधी जी के विचार को तो आजादी के बाद मान करके जो अगर काम किया जाता तो आज देश दूसरी स्थिति में पहुंचता।
हम लोगों ने भी तो पश्चिमी मुल्कों का नकल करना प्रारंभ किया। भारत के अंदर, इस समाज के अंदर जो अपनी ताकत है उसको पहचान कर हम अगर आगे बढ़ते तो देश के सामने आज भारत एक नजीर रखता। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।